हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस सारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आपके लिए क्या आने वाला है फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ में। फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 15 दिन। ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स मत करना। ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको सारा का सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर। फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर। ओके, अगर मैं पहला इनिशियल एनर्जी की यहाँ पे बात करूँ, आई डेफिनेटली सी दैट आप काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी हो, साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो इस टाइम पे। ठीक है, आप एक्शन ले रहे हो अपने डिज़ायर्स के ऊपर, आप एक्शन ले रहे हो यहाँ, आप जो जो करना चाहते हो, आप जो जो करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशंस है, आप काइंड ऑफ उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इस वक्त आपके प्रायोरिटीज़ क्या है उसे आप समझ रहे हो, चाहे वो प्रायोरिटीज़ आपके मेंटल हेल्थ के बारे में हो, आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में हो, आपके फाइनेंस हो, आपके लव लाइफ, वॉट एवर इट इज़, जो भी ये चीज़ है जो आपका प्रायोरिटी है, जो प्रायोरिटी होना चाहिए एक्चुअली, आप उसको सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली एक्शन ले रहे हो, क्योंकि आप काइंड ऑफ ठान लिए हो कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आप बदलना चाहते हो, एंड आप डेफिनेटली बदल के ही रहोगे, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस एनर्जी टू स्टार्ट विथ। आई सी दैट कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग रीलोकेटिंग, सो कुछ लोग मे भी अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो, या तो अपना जॉब चेंज, लाइक घर चेंज कर रहे हो, देर इज़ सम चेंजेस दैट इज़ कमिंग इन। और मे बी आई एम ऑल्सो हियरिंग आप कुछ फ्रेंडशिप्स को गुड बाई बोल रहे हो, या आप कुछ रिलेशनशिप्स को गुड बाई बोल रहे हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इमोशनली बोल रहे हो, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि ये लोग आपके लिए ठीक नहीं है, या इन लोगों से आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मिल रहा है। सो आप बस अपना पीस बचाना चाहते हो, आप अपनी मन की शांति कायम रखना चाहते हो, जिस वजह से आप काइंड ऑफ इन लोगों को थोड़ा सा दूर अपने से रख रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी और पीस चाहिए, शांति चाहिए आपके माइंड में, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। ठीक है, ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट फॉर सम ऑफ यू देर इज़ सम पैटर्न्स जो आपके लाइफ में चलता आया है। ऑल्सो आई एम हियरिंग कि कुछ प्रॉब्लम्स जिसके साथ आप बहुत टाइम से जूझ रहे हो, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग दैट कि आप फेब्रुअरी में कुछ ना कुछ डिसीशन या एक्शन ले रहे हो, स्पेशली एक्शन ले रहे हो दैट आप इस पैटर्न को ब्रेक करके बाहर आ सको। आप कुछ ऐसा करो जो जिस वजह से ये जो पैटर्न, ये जो टॉक्सिक साइकिल्स और ये सब ड्रामा, ये सब कार्मा, ये सब आपको फिर से झेलना ना पड़े। आप काइंड ऑफ अपने लेसन्स को फिनिश ऑफ कर चुके हो शायद, या इस वक्त कर रहे हो, बट फेब्रुअरी में आप कम्प्लीटली एक नया चैप्टर शुरू करोगे। आप कम्प्लीटली कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप पीछे छोड़ दोगे, बिकॉज आपका मेन प्रायोरिटी सिर्फ आप हो, एंड आपकी मेन एनर्जी ये है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपना अब सोचना है, मुझे सीरियसली करना है कुछ लाइफ में, चेंजेस लाने हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं, खुश रहना है। सो वो कुछ भी हो, करियर भी हो, लव लाइफ भी हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, वट एवर। नाउ कमिंग टू योर करियर सिचुएशन कैप्रिकॉर्न्स, आई सी हियर दैट आप एक्शन जितना चाहते हो शायद उतना एक्शन नहीं हो पा रहा है। लाइक एक्शन इन द सेंस कि आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि रिटर्न में आपको पूरा 100% नहीं मिल रहा है। रिटर्न में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या डीलेज आ रहे हैं चीज़ों में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कुछ चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा रीशेड्यूल, रीथिंक करना है, फिर से सोचना है, फिर से प्लान करना है। अगर एक तरीका काम नहीं आ रहा है तो उसी काम को दूसरे तरीके से करना है। ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये तो मेरा काम है ही नहीं, दिस इज़ अ बैड चॉइस, छोड़ देता हूँ, वट एवर। सो नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कभी कभी लाइफ में एक तरीका अगर काम ना आए तो दूसरा तरीका काम आ जाता है, एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। सो आपको थोड़ा सा कोशिश करना होगा, बिकॉज यू नो फेब्रुअरी में आई एम सीइंग हियर दैट आप मोटिवेटेड तो हो, आप काइंड ऑफ एक्शन तो ले रहे हो, बट बात कुछ ऐसा है कि आप थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा लग रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा देना हो रहा है, जितना आप यूजुअली देते हो उससे कई ज़्यादा या थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बिकॉज़ आई एम हियरिंग कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें आपको मिलेगा, बेस्ट बेस्ट चीज़ें। सो उस सिंस आपको बेस्ट चीज़ें मिल रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। सो अगर आपको मे बी जॉब चाहिए, आप कोशिश कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, एग्ज़ाम्स दे रहे हो, बट मिल नहीं रहा, आप सोच रहे हो आप में कमी है, आपसे नहीं हो पाएगा, बट इट्स एक्चुअली लाइक आपको जब मिलेगा आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसमें आप भी कुछ सीख रहे हो, आप भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप भी आगे बढ़ रहे हो, सो आप धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुँच रहे हो। सो आई एम ऑल्सो हियरिंग जब करियर, फाइनेंस इन सब की बात आती है, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी पे फोकस करो कि कैसा है जो आपको मिलेगा, या आप जो लाइक चाह रहे हो उसका क्वालिटी कैसा है, क्या वो हाई क्वालिटी है या बस आप कुछ भी से काम चला लोगे, ये सोचो। बिकॉज आई एम सीइंग कि यूनिवर्स नहीं चाहते आपकी कुछ भी से आप काम चला लो, कुछ भी कर लो, यू नो, कुछ भी कर लेते हैं या कुछ भी पढ़ लेते हैं, काम करने से मतलब है नहीं। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी आपके कुछ एम्बिशंस हैं, आपने कुछ चाहा है यूनिवर्स से, आपके मन में कुछ प्रेयर्स है। सो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें मिले, लेकिन उसके लिए अभी जो टाइम है वो आपका प्रिपरेशन टाइम है। ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये टाइम नेगेटिव सोचने के लिए नहीं है, ये प्रिपेयर करने का समय है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, उस प्रोसेस में डाल रहे हो, ताकि आप वो चीज़ें लाइक पा लो इस ज़िंदगी में जो आप इस वक्त सोच भी नहीं सकते। Also, I'm hearing don't take shortcuts when it comes to career situation. Shortcuts मत लो, don't think that easily चीज़ें पाना like पाने से काम चल जाएगा life में, no. Because I see here that for some of you, maybe लोग आपको थोड़ा सा, कुछ लोग friends हो सकते हैं whatever, ये लोग आपको थोड़ा सा पंप कर सकते हैं कि यू नो शॉर्टकट्स ले लो, या हम तो ये कर रहे हैं तुम भी कर लो, या यू नो समझौता कर लो टाइप ऑफ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इतना मेहनत कौन करेगा टाइप ऑफ। सो यूनिवर्स इज सेइंग उन लोगों से दूर रहना, उन कॉन्वर्सेशन से दूर रहना, क्योंकि अगर आपने शॉर्टकट लिया आप भी लाइक एक लिमिटेड लाइफ के अंदर आ जाओगे, यू विल हैव अ लिमिटेड लाइफ। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट नहीं लिया तो आपका पोटेंशियल आपको भी नहीं पता कितना ऊंचा है, कितना कुछ आप कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल कि आप जो डिसीशंस ले रहे हो, छोटे से छोटे डिसीशंस भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझौता करने पे मजबूर करे, जो आपको ये बताए कि यू नो जस्ट कुछ भी कर लो या कुछ भी के साथ सेटल हो जाओ। नो, दैट इज़ योर करियर। सो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बट अपना काम करने से अपने आप को रोकना मत, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को कुछ और मत समझाओ। कमिंग टू योर लव या आपका पर्सनल लाइफ, व्हाट आई सी हियर फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स इज दैट आप थोड़े से नेगेटिव हो इस रिलेशनशिप के बारे में। अगर ये कनेक्शन है इस वक्त आपके लाइफ में, आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो, आप ये सोच रहे हो दैट यू नो इसके साथ मैं क्या करूँ, इस कनेक्शन के साथ लाइक क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे ये कम्प्लीटली लेट गो करना चाहिए, बिकॉज यू फील लाइक ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल या बहुत ज़्यादा लाइक इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा आ चुका है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, या आपके पर्सन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे जो वो एक टाइम पे लिया करते थे, या आपने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। सो आई फील लाइक आपके साइड से इस लव सिचुएशन में थोड़ा सा यू नो बैक एंड फोर्थ है, या थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है कि करूँ तो क्या करूँ, मैं ये लूँ या नहीं, करूँ या नहीं, वट एवर दैट इज़। सो आप श्योर नहीं हो फेब्रुवरी में दैट आप आखिर में इस कनेक्शन से क्या चाहते हो, तो आपका एनर्जी थोड़ा सा इन एंड आउट हो सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर्स कैप्रिकॉर्न्स दैट ये एक जनरल रीडिंग है, सो कभी कभी होता है कि आपको लग सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है, और आपके पर्सन आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है। सो अगर वैसा हो रहा है तो उस हिसाब से ही लेना रीडिंग को, बिकॉज क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। तो अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ यहाँ पे,
आपके पर्सन क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहेंगे फेब्रुअरी में, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में वो डिस्कस करना चाहेंगे. आई एम हियरिंग लाइक द एनर्जी टेल्स मी कि वंस एंड फॉर ऑल वो इस टेंशन से मुक्ति चाहते हैं या इस कॉन्फ्लिक्ट से वो मुक्ति चाहते हैं. एक बार के लिए वो सब कुछ बोल के चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. बिकॉज इट्स लाइक वो इतना ड्रामा नहीं झेल सकते, या उनका एनर्जी ऐसा है कि मैं इतना ड्रामा नहीं झेलूँगा, मैं इतना ड्रामा नहीं कर सकता, इट्स एनाफ, आई एम नॉट टेकिंग दिस एनी मोर, लेट्स हैव अ टॉक एंड लेट्स सेटल इट आउट. सो उनका एनर्जी काइंड ऑफ इस पार या उस पार वाला है कि या तो बात करके सही हो जाएगा सब कुछ या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सब कुछ. सो ये इस बीच में नहीं रहना चाहते, ये इस कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहते. बिकॉज आई डेफिनेटली सी आप दोनों में से कोई भी इस सिचुएशन में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड या खुश नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जी रहे हो, प्रॉब्लम्स के साथ जी रहे हो, जिसके बारे में शायद आप लोग खुल के डिस्कस भी नहीं कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो आप जहाँ पे इनडिसाइसिव हो, आप जहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा साइलेंट रख रहे हो, थोड़ा सा इग्नोरेंट या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो, आप इस पर्सन को समझाना चाहते हो कि आपकी वैल्यू या वट एवर, वहाँ पे आपके पर्सन भी काइंड ऑफ इस ड्रामा को नहीं झेलना चाहते. वो भी काइंड ऑफ चीज़ों को एक बैलेंस आउट करना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल, वो आके कम्युनिकेट करना चाहते हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि ये पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है. सो ये पर्सन बहुत से अजम्पशंस भी रख रहे हैं आपके बारे में, जो सच हो भी सकते हैं, जो सच नहीं भी हो सकता है. इस पर्सन का कोई सोच है, कोई सोचने का तरीका है, या कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो ये आपके बारे में इकट्ठा कर रहे हैं, या जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो मे बी उनके दिल में या दिमाग में चलता है, जो शायद सही ना हो, या जो शायद सुन के थोड़ा सा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़े. लेकिन याद रखना कि इस पर्सन का मकसद इस कनेक्शन को एंड करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो कि अच्छी बात है. बिकॉज मैच्योरली बैठ के प्रॉब्लम के बारे में बात करके उसे सॉल्व करना हमेशा एक बेटर डिसीशन है, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल. सो दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे दोनों को मैच्योरली हैंडल करना होगा सिचुएशन को, जहाँ पे दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर दोष दे दिए एंड फिर अपने आप को अच्छा साबित करके भाग गए वहाँ से. इट कैन नॉट बी डन लाइक दैट. यू हैव टू बी सीरियस बोथ ऑफ यू एंड सिचुएशन के बारे में बात करो, डील विथ इट, टॉक अबाउट इट. डोंट रन अवे, डोंट हाइड योर पेन, योर इमोशंस, योर एंगर. छुपाने से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. सो यस, दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे आप लोग ये करोगे एंड दिस विल हेल्प यू. या तो ये कनेक्शन बच जाएगा या तो दिस कनेक्शन यू विल लेट इट गो, बिकॉज वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड उसके पीछे एक्शन लेना इज़ वेरी नेसेसरी. ठीक है, सो यस यू आर टेकिंग दैट एक्शन, दैट इज़ द गुड थिंग, यू आर टेकिंग द एक्शन. ओके, सो यस दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू हियर गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी फिर एक दूसरे नई रीडिंग के साथ. एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.